أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तुम लोगों के गाइस बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे, रमज़ान बहुत खुशी से गुजर रहा होगा और सारे के सारे रोज़े भी पूरे रख रहे होंगे। असर की नमाज़ जैसी ख़त्म होती है सारे कल्टी शॉट का नारा लेते हैं और सारे शॉट हो जाते हैं। सिर्फ एक बंदा बैठा है, वो भी यार हमारा ही बंदा है। मेरा तो बस दिल करता है हर वक्त मस्जिद में ही रहूँ। इतना सुकून मिलता है मस्जिद के अंदर, जाने का तो दिल ही नहीं करता। सारे लोग कल्टी शर्ट का नारा लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा भाई कुरान पढ़ता है अकेला। पूरी मस्जिद में सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? वो जिन्नात भाई हैं हमारे। और तुम लोग भी ना कुरान पढ़ा करो ना, तर्जुमे से पढ़ा करो। ये देखो, इसका तर्जुमा भी लिखा है कुरान का। देखो ये सारे तर्जुमा लिखा है उर्दू में और फिर इसकी तफसीर लिखी हुई है। ये वाला कुरान मिल जाता है आराम से, तफसीर वाला कुरान, ये वाला पढ़ा करो कि तुम लोगों को समझ तो आए कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। कुरान पढ़ने के बाद ना मेरा बस एक ही दिल करता है ऐसे करने का। सुकून मिल रहा है यार, इतना सुकून तो घर में भी नहीं मिलता यार। ये मस्जिद जो है ना बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर लेट के ना एक अलग ही फीलिंग आती है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मुझे तो रोज़ा भी नहीं लगता, मगर यार थोड़ा थोड़ा रोज़ा लग रहा है। अबे हमें तो एक्सरसाइज करने जाना था, चलो यार गाइस एक्सरसाइज करने चलते हैं, मगर यार रोज़ा लग रहा है। रोज़ा तो रखना है यार, मगर एक्सरसाइज भी तो करनी है ना। चलो यार चलते हैं जल्दी से, वक्त कम है मुकाबला सकते। असर से लेके मगरिब तक का वक्त थोड़ा कम होता है ना, इसीलिए एक्सरसाइज का वक्त भी थोड़ा कम होता है। यार माशाल्लाह से स्काई चेक करो, देख कर तो इसको रोज़ा लग रहा है। काश बारिश हो जाए और मैं ऐसे ऊपर देखूँ, यूँ ऐसे पानी आ जाए। चलो गाइस चलते हैं, एक्सरसाइज में देर हो रही है, आ जाओ। मम्मा ये क्या कर रही है? मुझे जल्दी से ना एक्सरसाइज वाले कपड़े निकाल के दे दें, मुझे जाना है। अफ्तारी नहीं करनी आज, रोजा है भाई आज तुम्हारा। ये तुम्हारा रोज का तमाशा है बेटा, मैं इतनी मेहनत से अफ्तारी बना रही होती हूँ, तुम होते ही नहीं हो घर पे। अच्छा ना मम्मा, अभी तो मैं आ जाऊंगा ना, आप टेंशन नहीं लें। आप मुझे जल्दी से ना कपड़े निकाल के दे दें, मुझे कपड़े बदलने, एक्सरसाइज के लिए जाना है। क्या जल्दी जल्दी, जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे मम्मा जल्दी से कपड़े निकाल लें, शैतान तो है ही नहीं, वो तो कह देना। ये लो बेटा ये शूज पकड़ो। अच्छा ठीक है, और ये कपड़े तुम्हारे तैयार है। ठीक है ठीक है, अफ्तारी के टाइम पे आना जरूर बेटा। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा ना, टेंशन नहीं। तो यार वक्त कम है मुकाबला सकता है, जल्दी से कपड़े चेंज कर लेता हूँ। इन कपड़ों में थोड़ी जाऊंगा, अभी मगरिब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलो गाइस फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने कपड़े चेंज कर लिए, अब जल्दी से एक्सरसाइज करने चलते हैं। मगर यार रोजा लग रहा है, एक्सरसाइज भी तो करनी है वरना ढोले शोले कैसे बनेंगे। लेट्स गो गाइस। रोजे में हो ही नहीं रहा यार मुझसे। चलो जल्दी से चलते हैं बगैर किसी देरी के, आ जाओ। सबसे पहले तुम्हारा भाई करता है हार्ड एक्सरसाइज, क्योंकि रोज़ा है ना, पहले हार्ड वाली चीज़ें निकल जाएं फिर इजी पीजी वाला सीन करेंगे। बिस्मिल्लाह, मुझे तो लगता है ये भी नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से मेरे को रोज़ा लग रहा है। कुछ फेक फेक नहीं हो सकता, एडिट होके कुछ।
हालत पतली हो रही है कसम से। तो वैसी रोजे में पानी की कमी है, वो मेरी हालत देखो, पसीना ऐसा लग रहा है नल खोल दिया किसी, हालत पतली हो रही है मेरी। हाँ थोड़ी सी अभी और एक्सरसाइज करते हैं, आ जाओ गाइस। गुस्सा आता है फात भाई को, जो फात भाई से पंगा लेगा ना। इसके बाद तुम्हारा भाई बैक फिल्म मार के दिखाएगा, वो भी रोजे में। आजकल इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, मैं अपनी डाइट ही पूरी नहीं कर पा रहा, मगर मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है बाइनोमो के थ्रू, और तुम लोग भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए से फायदा उठा सकते हो, बहुत सारी अर्निंग और रिवॉर्ड हासिल कर सकते हो। तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाइनोमो को डाउनलोड करो। तो यार मैं अपने डेमो अकाउंट को स्विच कर रहा हूँ रियल अकाउंट पर, तो यहाँ पर मैं अपना अमाउंट 10,000 रुपीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब हम मार्केट को देखते हुए करते हैं अप, और अब मैं करता हूँ थोड़ा सा वेट। और यहाँ तुम लोग देख सकते हो मैंने कितना अर्न कर लिया। आप इनको इजी पैसा के थ्रू विड्रॉ भी करा सकते हैं। ट्रेडिंग के अलावा बाइनोमो पर रेफर मेथड भी आ चुका है, जिसमें आप बाइनोमो से लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को भेजोगे और वो ज्वाइन करेंगे, तो आपको मिलेंगे $10 से $20 हर ज्वाइनिंग पे। तो फिर देर किस बात की, मेरा प्रोमो कोड यूज करो और पहले डिपॉजिट पर 50% तक का बोनस हासिल करो। क्या हुआ सर, में लग गई। फात भाई उठो, क्या हो गया सर, में हालत खराब हो गई यार। फात भाई मट्टी मट्टी लगा। फात भाई रोजा तोड़ लो, मैं कहता हूँ पानी वानी पी लो, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं छोड़ दे फात भाई, हालत तो देखो अपनी, हालत तो देखो, मुंह पे पानी मार देता हूँ। नहीं नहीं रोजा तोड़ गया, पानी नहीं लाइयो। चलो फिर हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। फात भाई को क्या कुछ हो सकता है क्या, फात भाई को क्या रोजा लग सकता है क्या, क्या तुम लोगों ने हल्के में लिया हुआ फात भाई को? तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक है, हल्के में ले रहे हो क्या? अब तुम्हारा भाई रोजे में बैक फ्लिप मारेगा। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार, तो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, और देखो रोजे में बैक फ्लिप कैसे लगे। रोजे में थोड़ा स्टेमिना कम होता है ना, तो बैक फ्लिप सही लग नहीं पाई, और मेरा 114 किलो वजन है ना, उस वजह से भी थोड़ी मुश्किल होती है। फिर भी तुम्हारा भाई हिम्मत कर रहा है रोजे में, अगर रोजा नहीं होता ना तो पूरी परफेक्ट बैक फिल्म मारता हूँ मैं, तुम लोगों को तो पता ही ना। गरम तो उड़ गया। चलो यार टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं, अफतारी का टाइम होने वाला है और मुफ्ता भी मिल गया है। एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं, जल्दी चलाओ यार, वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। मेरे को तो रोजा लग रहा है, हालत खराब हो रही है यार, जल्दी हटना यार सेवक वाले, हटना भाई साहब। हमारा मुफ्ता है ड्रीम वर्ल्ड में, वो भी 60 से प्लस डिशे हैं उसके अंदर, मतलब रोजे में आज फुल पेट भरने वाला है। अगर ये खड्डे अपनी ना वाट लगाए ना, तो अभी तक हम अफतारी पे होते, अभी तक हम पहुंच चुके होते ड्रीम वर्ल्ड। अजाने हो ही गई यार, क्या करें यार, इतनी लंबी यार, अगर ये खड्डे नहीं होते ना, अगर तो हम पहुंच भी चुके होते, जो हमारे नसीब में होगा वो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं। फाइनली यार ड्रीम वर्ल्ड में एंटर तो हो गए, मगर अभी अजान हो चुकी है, अभी देखते हैं प्रोग्राम चल भी रहा है या बढ़ गया। ये देखो यार, ये वाला मुफ्ता हमें मारना था, 60 प्लस आइटम है। आसमान देखो यार, मगर लेट हो रहे हैं, अभी देखते हैं यार कुछ बचा है नहीं बचा हमारे लिए। शुक्र अल्लाह का यार यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बढ़ा, अभी सब खा रहे हैं। अबे भाई जल्दी से फोड़ो ना, भूख बहुत लग रही है खाना देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जूस देखो अलग अलग कलर के, अलग ही माहौल हो रहा है यहाँ पे, बस जल्दी से फोड़म पड़ी वाला सीन करना शुरू कर दिया। दिखा दे रहा कैसा है टेस्ट में, बस सही थोड़ा सकून मिला यार जाके। यार यहाँ पे तो फुल अलग अलग पंचायतें हैं, मुंह में पानी आ रहा है भाई। इन भाई ने हमें मुफ्ते में बुलाया था, अभी जल्दी से हम ड्रीम वर्ल्ड में मुफ्ता खाते हैं, और फिर अभी तो हमने कुछ भी नहीं खाया, रोजा ही नहीं खोला। चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्ला।
भाई मैंने तो अपना पसंद का बस ये केक पसंद आया मुझे, बाकी रोजे वगैरह में ये सब चीजें थोड़ी सही है, नॉर्मल है, इतनी मजे की नहीं लगी मुझे। लेकिन आप बताएं फात भाई, सलाद वगैरह आपको कैसा लगा? जियो ड्रीम वर्ल्ड, यहाँ तो बड़े मजे मजे की चीजें, वाओ ग्रेट, मतलब ड्रीम वर्ल्ड जियो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ड्रीम वर्ल्ड वालों को ना अल्लाह जन्नत नसीब करे जो भूखों को खाना खिलाया। हम लोग कितना भूखे थे यार, तुम लोगों को तो पता ही है ना, एक्सरसाइज भी करी, फिर इतना ज्यादा थक गया था मैं, हालत खराब हो गई थी पसीने पसीने से, इतना ज्यादा रोजा लग रहा था, शुक्र अल्लाह का यार ये खाने को मिला। भाई यहाँ पे 60 से प्लस डिशेस थी, ये पूरा मेरे ख्याल से हलवा पूरी वाला था उस तरफ, ये समोसे, टेंशन पकौड़े, फिर मिक्स पकौड़े शायद कहते हैं इसको, ये घर पे खाए मैं, कट कट बोल रहा हूँ, कटा कट सॉरी भाई, इसमें भी डाल दें आप। ओले ओले, यही चीज़ तो चाहिए थी मुझे, यही तो चाहिए था मुझे।